दोस्तों, राजस्थान रॉयल के खिलाफ गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 हुई घोषित। हार्दिक पांड्या ने हार के बाद किए बड़े बदलाव। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट लवर गर्ल में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आईपीएल का एक और रोमांचक मुकाबला गुजरात और राजस्थान के बीच में खेला जाना है। इस मैच के लिए आखिरकार गुजरात ने अपनी खतरनाक प्लेइंग 11 घोषित कर दी है और आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कौन से धाकड़ खिलाड़ियों की प्लेइंग 11 के साथ गुजरात टाइटंस उतरेगी टीम में। अगर दोस्तों आप भी गुजरात टाइटंस यानी हार्दिक पांड्या के फ़ैन हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि 2022 में आपकी फेवरेट आईपीएल की टीम कौन सी है और आप 2022 में कौन सी टीम को विजेता बनते देखना चाहते हैं। आईपीएल 2022 का 24वां मुकाबला राजस्थान रॉयल और गुजरात टाइटंस के बीच में खेलने जाना है। गुजरात टाइटंस ने अभी तक अपने पूरे 4 मैच खेले हैं जिसमें से उसने 3 मैच में जीत कर अंक तालिका में 6 अंक हासिल कर चुका है और गुजरात टाइटंस की टीम अंक तालिका में 6ठे नंबर पे है। और गुजरात टाइटंस ने इस मैच के लिए 2 बड़े बदलाव किए हैं। पहला ओपनर बैट्समैन मैथ्यू वेस और दूसरा लॉकी फर्गसन, जिसमें से मैथ्यू वेस एक ओपनर खिलाड़ी हैं जिनका प्रदर्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है 4 मैचों में। और लकी फर्गसन के रिप्लेसमेंट पे वो वेस्ट इंडीज़ के धाकड़ बॉलर को खिला सकते हैं। आज के मुकाबले में 2 यंग कैप्टन एक दूसरे के साथ मुकाबला करेंगे, तो अगर आपको लगता है कि राजस्थान रॉयल या गुजरात में कौन जीतना चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए। और अगर आप ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि संजू सैमसन ज़्यादा अच्छे बैट्समैन हैं या हार्दिक पांड्या। जो भी हो आप कमेंट करें। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें।